तो भाई बनारस की गलियों में घूमते हुए 10 अश्वमेध घाट पे जा रहे थे, तो वहां पे मिले हमें एक भैया। तो हमने एक चीज देखी यार, कुछ स्पेशल स्पेशल सा दिखा। हमने भी पूछा और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आइटम है क्या, तो भैया से जानते कि आइटम क्या होता है। हेलो जी भैया, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। कहाँ से हो भैया आप? बिहार से। बिहार से हो? हाँ। तो कितने टाइम से बेच रहे हो ये आइटम? ये साल भर से बेच रहे। साल भर से बेच रहे हो? तो क्या आइटम होता है भैया ये? ये रुद्राक्ष का है फल। ये रुद्राक्ष का? हाँ, ये रुद्राक्ष का फल होता है। हाँ। तो इसमें से रुद्राक्ष निकलता है? इसमें से रुद्राक्ष निकलेगा। तो कहाँ से आता है भैया ये? ये आता है नेपाल से। नेपाल से आता है? तो आप लोग कहाँ से लाते हो? हम लोग नेपाल से ही आता है। आप लोग नेपाल से लेके आते हो? तो भैया क्या प्राइस प्राइस क्या होता है इसका? इसका 30 रुपीज है, इसका 20, इसका 20। अच्छा, ये मीडियम साइज, ये स्मॉल साइज है, ये बिग साइज, ये बड़ा साइज है। तो इसमें से छील के निकाला जाता है? हाँ, आप जो देंगे उठा के वो आपको छील के निकाल के देंगे। अच्छा, तो आपके नसीब से जितना मुखी निकल जाए। जितना मुखी निकला है? एक से लेके 14 मुखी तक। एक से लेके 14 मुखी तक होता है? हाँ। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है भैया? सबसे अच्छा रियल होता है एक मुखी। एक मुखी सबसे अच्छा होता है? वो जल्दी मिलेगा नहीं, वो जल्दी मिलेगा नहीं। और उसके बाद कौन सा? उसके बाद तो कोई सा मुखी उठा लीजिए, वो सब सही रहेगा, सब मिल जाते निकल जाएगा। मतलब एक मुखी होता है वही दुर्लभ होता है। नॉर्मली पंचमुखी तो निकलेगा ही निकलेगा। नॉर्मली पंचमुखी निकलेगा ही निकलेगा। अच्छा, अभी तक आप इतने साल से बेच रहे हो ये रुद्राक्ष वगैरह, तो एक मुखी निकला है किसी का साल में? नहीं, एक मुखी किसी का नहीं निकला। 10 मुखी निकला है, 8 मुखी निकला है, 7 निकला है, 6 निकला है, 4 निकला है। अच्छा, 9 निकला है। कितना निकला है? 9 मुखी निकला है। 9 मुखी निकला है। 10 मुखी भी है हमारे पास, ये 10 निकला हुआ है। अच्छा, 10 निकला हुआ है? एक है 10, इसी में से निकला हुआ है ये 10 मुखी। तो भाई चेक कीजिए, ये भैया दिखा रहे हैं, ये 10 मुखी होता है। भैया काउंट कैसे करते? अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप, पॉलिश? हाँ, इसको साफ करते हैं, इसे निकाल के अभी आपके सामने में करेंगे। ये देखिए, ये 10 मुखी, ये लाइने को गिना जाता है। अच्छा, ये लाइने गिना जाता है? ये 10 लाइन होगा। हाँ, ये 10 मुखी निकला हुआ है, इसी में से निकला है। तो भाई हम भी एक छाट लेते हैं। तो भैया एक चीज बताओ, जैसे ये सब ये खराब है इसमें से? नहीं, वो खराब नहीं है। खराब नहीं है, एक फल उठाइए। हम तो एक फल उठा लेते हैं। तो भैया बाबा काशीनाथ की कृपा से हमने फल उठा लिया और देखते हैं इसमें से क्या निकलने वाला है। जय भोले बाबा की, जय काशी विश्वनाथ की। तो देखते जाइए अब इसमें से कितना मुखी निकलेगा। तो ज्यादा हार्ड नहीं होता भैया? नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं होता। और ये छिलके रेडी हो गया। ये खुशबू सी आ रही है, इसी में से आ रही है? हाँ, इसी में से स्मेल आ रही है। स्मेल आती है ना? ये पंचमुखी, ये पंचमुखी निकला है। क्या बात है भैया, तो बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद मिल गया है और ये पंचमुखी रुद्राक्ष निकल आया है। तो बोलो बाबा काशी विश्वनाथ की जय। ये देखिए भाई, रुद्राक्ष निकल आया है पंचमुखी। और ये भैया ने कर दिया पैक भरद्वार, और ये आगे भैया हमारे हाथ में। तो भैया ये आगे हमारा काशी विश्वनाथ जी का